एक निर्णय थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। इच्छाएं हर इंसान के अंदर होती हैं, पर उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको निर्णय लेना पड़ता है, और फिर उस निर्णय को पूरा करने के लिए आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ता है, और निश्चय को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। असल में संघर्ष एक इंसान के जीवन का वो समय होता है जिसमें वो अपने जीवन को बेहतर बनाने के करीब होता है, लेकिन ज्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं कि संघर्ष क्या है। जैसे मक्खी गुड़ की तरफ खींची चली जाती है, वो अपने आप को रोक ही नहीं पाती। थोड़े से गुड़ के लालच में उसकी सोचने समझने की पूरी शक्ति खत्म हो जाती है। ठीक वैसे ही हम लोगों के जीवन में भी जब थोड़ा सा सुख आता है तो हम अपने संघर्ष को भूल जाते हैं, हम संघर्ष करना बंद कर देते हैं और उस सुख को भोगने में व्यस्त हो जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि समय हमेशा बदलता रहता है। हमारा मन, हमारी बुद्धि ठीक उस मक्खी की तरह हो जाती है। हम भूल जाते हैं कि आने वाले कल के लिए हमें आज ही इंतजाम करने होंगे। अगर आज हम केवल और केवल अपने इस सुख को भोगने में लगे रहेंगे तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये सुख हमारे पास ना रहे। संघर्ष करता हुआ आदमी हमेशा सावधान रहता है, जबकि सुख को भोगते हुए हम अक्सर लापरवाह हो जाते हैं। जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं तो हमने अपने लिए बहुत सारी प्लानिंग कर रखी होती है, लेकिन जैसे ही हमारे संघर्ष का थोड़ा सा फल हमें मिलता है, हम उसे एंजॉय करने में लग जाते हैं और हम इतना मगन हो जाते हैं कि अपनी सारी प्लानिंग भूल जाते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते और वो जहाँ हैं वहीं पर ठहर जाते हैं। दोस्तों, लाइफ को एंजॉय करना अच्छी बात है, लेकिन इस एंजॉयमेंट में अपने स्ट्रगल को कभी मत भूलना, वरना जिस लक्ष्य को लेकर आपने अपना जीवन स्टार्ट किया है वहां तक आप कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। हर इंसान की जिंदगी में उसका एक लक्ष्य होना ही चाहिए। जिसकी जिंदगी में लक्ष्य नहीं होता है वो इंसान कहीं ना कहीं जाकर जरूर भटक जाता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कभी भटकना नहीं चाहते हैं तो एक लक्ष्य जरूर तय करें और उस लक्ष्य पे बढ़ने के लिए एक रास्ता तय करें, और जैसी प्लानिंग आप उस रास्ते पर करते हैं ठीक उस प्लानिंग के अनुसार ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। अगर आप जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आपके पास वो सब कुछ हो जिन चीजों का आज आप सपना देखते हैं, तो उसके लिए आपकी जिंदगी में प्लानिंग और लक्ष्य का होना बहुत ही जरूरी है। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप खाली बैठेंगे तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे और ये नेगेटिव थॉट्स आपको कभी भी अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा काम नहीं करने देंगे। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचिए, अपने कामों में बिजी रहिए, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे और सफलता को हासिल कर पाएंगे। उम्मीद है कि इन बातों से आपने काफी कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो।